हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सबा कमर का भी शुमार ऐसी एक्ट्रेस में होता है जो खुलकर कमाना और खुलकर खर्च करना जानती हैं। सबा कमर ने अपना कैरियर का आगाज़ जियो टीवी से किया और उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की, लेकिन फिर अचानक बॉलीवुड की हिंदी फिल्म मीडियम में देखा गया। बस बॉलीवुड में एंट्री करने की देर थी, इन मौसूफ़ों पर भी बॉलीवुड की मेहर लग गई और रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। चंद साल कबल सबा कमर की कुछ नाज़ेबा तस्वीर भी सामने आई, लेकिन जब इनसे पूछा गया तो बाद में इन तस्वीरों को किसी प्रोजेक्ट के हिस्से का नाम दे दिया गया। सबा कमर जब इंडियन फिल्म में से काम कर कर आई तो काफ़ी अर्से तक अपने बीमारी का बहाना बनाती रहीं, यानी कि इंडियन फिल्मों में काम करने का मकसद ये नहीं है कि अपने आप को फलाई मखलूक समझा जाए। सबा कमर ने भी बहुत पैसा कमाया, लेकिन सबा कमर एक बहुत समझदार लड़की है। इसने अपने वो तमाम ख्वाब पूरे किए जो हमेशा ये देखा करती थी। इसने अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छे आला दर्जे का ब्रांड न्यू घर बनाया जिसके वो ख्वाब अक्सर देखा करती थी, और उसमें हर एक चीज़ ऐसी लगाई जिसका वो सोचा करती थी। सबा कमर स्मोकिंग भी करती है और हर किस्म की पार्टी में भी जाती है। सबा कमर का शुमार उन एक्ट्रेस में होता है जो कि पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं और अपने बहुत सारे दोस्तों को, तमाम हल्का अहबाब को बुलाकर अय्याशी करती और करवाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।